राधा, तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे दिल में कौन लड़की है? मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें कैसे नहीं मालूम? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम मुझे। अरे उस वक्त वो बाबा के सामने उन्होंने टाइम ही नहीं दिया मुझे बताने का। राधा तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, और उस गधी के बारे में मुझे मालूम भी नहीं करना। तुम्हें उस गधी के बारे में मालूम होना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? अरे सब भूल गई क्या तुम? बचपन में छतरी के नीचे जब बारिश हो रही थी, नहीं याद? नहीं, नहीं। और वो छोटा सा घर था, राजा रानी का खेल, कुछ याद नहीं? वेरी गुड। ये क्या तुम राजा रानी का खेल, छतरी के नीचे वगैरह? अच्छा बताओ कहाँ है वो? यहाँ है। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल में कैसे झांक सकती हूँ? मेरे बेडरूम में झांक सकती हूँ। वो बेडरूम में है? बेडरूम में, मेरे बेड के पीछे जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पास। जाओ जाके देख लो। नहीं मुझे नहीं देखना, वो नाना जी का काम है। और अरे मुझे नाना जी की तो ऐसी की तैसी, उनकी वजह से तो ये कंफ्यूजन है सारा। देखो तुम जाओ जाके देखो। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। सुनो हमारी शादी, नाना जी को मत बोलो, हमारी शादी होने वाली है, मैं चाहता हूँ तुमको सब कुछ साफ साफ मालूम होना चाहिए। जाओ। नहीं मुझे नहीं देखना। राधा मुझे नहीं देखना। राधा प्लीज प्लीज आई इंसिस्ट, गो। क्या जबरदस्ती है कधी? देखो 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 स्टूपिड इडियट, बेडरूम तक पहुंच गई। मेरे दिल में झांक के देखो, बहुत खूबसूरत है क्या? पता नहीं होगी कोई बंदर या ही, बाथरूम में तो नहीं? हेलो कोई है क्या? देखा? कहाँ देखूं, कोई भी तो नहीं है, फोटो भी नहीं है। मैंने कहा कहाँ फोटो है? मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल के पास देखो। कहाँ है? देखो कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ब्रश है। ब्रश नहीं, इधर आओ, ये देखो इसमें, ये देखो। कहाँ है? ये देखो ना, ये तो मैं हूँ। तुम ही तो हो। मैं? झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच राधा, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। राधा। हाँ। नाना जी बुला रहे हैं। आई लव यू। राधा बेटी। आई। राधा तुम्हारे दिल में भी सिर्फ मैं ही हूँ। अरे राधा, राधा वेट फॉर मी। हाय। हाय। अरे रुको। हेलो। हेलो। चलिए, देखा ये सब सूरज के फैंस हैं। सारी लड़कियां तो सूरज पे मरती हैं। वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक। कहाँ है वो? ऊपर है। चलो ये सिगरेट फेंक दो ना। चलो चलो। हाय हसमुख भाई, मैंने कहा था ना ये हसमुख डेट वाले। हेलो। सूरज के सेक्रेटरी। राधा जी, सूरज को क्या हुआ? सूरज को? सूरज की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, कार टूट गई, उनकी आवाज चली गई, भगवान की दया से वो बच गए। अब कहाँ है वो? अभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, अपने रूम में बेड रेस्ट ले रहे हैं। ऊपर क्या हो गया तुम्हें? कैसे हो गया एक्सीडेंट? तुम बोलते क्यों नहीं? सूरज मजाक करते हो? हाँ बेवकूफ बनाते हो मुझे? हाँ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। क्यों? जान निकाल दी थी मेरी। तुमने भी तो मेरी जान निकाल दी थी जब तुम अपने नाना के पास चली गई थी, उसका क्या? उस वक्त नहीं सोचा सूरज का क्या होगा? अरे गोपाल सर। अरे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? नहीं आप भले ही मत बताइए, लेकिन जिसकी शादी हमारे राधा के साथ होने वाली है उसकी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास। ये कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, इनका क्या बिजनेस है, लाइक्स क्या, इनके डिसलाइक्स क्या, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम्हारी शादी 21 जुलाई को होने वाली है ये भी मुझे पता है। ओ बाय द वे सर, माय नेम इज सूरज। हेलो सूरज, राधा बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा सूरज, शादी से दो दिन पहले आना। हाँ आप जा रहे हैं? हाँ चलते हैं, आगे कार्ड्स भी देने, लेकिन तुम शादी पर जरूर आना। दो दिन क्या, चार दिन पहले आऊंगा, नहीं तो मेरे बिना शादी कैसे होगी? करेक्ट। थैंक्स, नाइस टू हैव मेट यू। ओके थैंक यू सर। ओके सी यू। गोपाल सर,
से मेरी दादा का पूरा ख्याल रखना प्लीज। फिक्र मत करो सूरज, मैं तुम्हारी राधा का बहुत ख्याल रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। राधा एक बात पूछूं बताओगी? तुम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? अपनी मां से। गुड, वेरी गुड। माँ से तो करना ही चाहिए ना। हाँ। माँ ही तो हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। दुनिया में सबसे प्यारी चीज माँ ही होती है। ए, ए, अपनी माँ के बाद इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हो? अपने भाई से। प्रशांत? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उस बेचारे का मेरे सिवा इस दुनिया में और है ही कौन। हाँ। मैं ही उसकी माँ हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि आज मदर्स डे है? क्या गोपाल, अब कुछ ना ही पूछो तो अच्छा रहेगा, वरना यही जवाब मिलेगा क्या कि माँ के बाद बड़ी माँ, बड़ी माँ के बाद छोटी माँ, दादी माँ, नानी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ, माँ की माँ। हेमा। हेमा, ये कौन है? हेमा? आ, नहीं, 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 हेमा कोई नहीं है। तुम मामा कह रही थी ना, तुम्हें से पसंद है? मुझे नहीं पसंद। गुड, मुझे भी नहीं पसंद। आपने आगे पूछा नहीं, पूछते तो मैं यही कहती, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, आज से आप ही मेरे सब कुछ हैं। कमलाचन भाई जी, देखो हम किसे लाए हैं आपके महफिल में। किसे लाए हो अपने साथ? हमारे मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे। अरे कहाँ खो गए देव बाबू, आओ ना, ये भी तो हमारी एक महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत ना देख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर ना लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर ना लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए, हम तो समझे थे बुध, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि जैसे चंद्रमुखी है जैसे चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। जैसे चमत्कार, जैसे चंद्रमुखी, देखा बना गई ना वो जैसे क्या कहते हैं, जैसे जैसे। मैं आ गया हूँ पर क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारा चौखट तक आई तब ना, ना बारो, अभी भी वक्त है, मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं, तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पर। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव
कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता, वो मेरी ना समझी थी। ना समझी? ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव कि जब चाह आकर कंगन पहना के, जब चाह चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी? और जब चाह आकर खड़ी हो गई तुम पारों में हमेशा। बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस, 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 इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव! ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है। पर ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखा। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बेकुआ कर रहेगा। तू क्या की करिए निगौड़ी? चल यहाँ से, तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी, कैसी लगी तुम्हें हमारी पार? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी 2 आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी, वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी कभी तितली तो कभी चांद, और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू कभी शमा, सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्र ये क्या चंद्रमुखी? मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहां पर ये अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी, बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहां से जाने की इजाजत दे दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो पर मैं भुगत रहा हूं। तो फिर
खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आज हमने दोनों जान पा ली, फिर कब मिलना होगा? और पुण्य का फैसला करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करेंगे ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी, पर इतना कहता हूं कि मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊंगा।